राम की नगरी स्थित हनुमानगढ़ी के नागा साधु महंत कन्हैया दास की ईंट से कूच कर निर्मम हत्या के मामले में अयोध्या कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम ने दो आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। मुख्य आरोपित शशि कांतदास को मोहबरा चौराहे पर गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके भाई अंश मिश्रा को श्रीराम प्रस्थ होटल के पास से गिरफ्तार किया गया। SSP शैलेश पांडे के मुताबिक जांच में घटना का खुलासा हुआ, जो आरोपित गुरु राम ब्रंदास की संपत्ति हत्याने को लेकर बताया जा रहा है। महंत कन्हैया दास व शशि कांतदास गुरु भाई हैं, जो अपने गुरु की संपत्ति पर अकेले कब्जा करना चाहते थे। दोनों के बीच संपत्ति विवाद का केस भी न्यायालय में चल रहा है। आरोप है कि शशिकांत दास ने अपने साथियों के साथ शिवरात्रि के समय ही महंत कन्हैया दास को सदा के लिए रास्ते से हटाने की योजना अपने भाई अंश व तीन अन्य के साथ मिलकर बनाई थी। अपने मित्रों को कैश देने की लालच देकर हत्याकांड में शामिल किया। 3 दिन पहले कन्हैया दास की उस समय ईंट से कूच कर हत्या कर दी गई, जब वे चरणोपाधिका मंदिर की गौशाला में रात को सो रहे थे। SSP के मुताबिक गुरु की जमीन को हथियाने की लालच में की गई हत्या। 3 अन्य आरोपित अभी भी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। 4 तारीख को अर्ली मॉर्निंग सूचना प्राप्त हुई थी कि चरण पादुका मंदिर परिसर में स्थित गौशाला में एक साधु जिनका नाम श्री कन्हैया दास था, उनकी हत्या कर दी गई। प्राप्त जानकारी पे तत्काल मेरे द्वारा तथा सभी सीनियर ऑफिसर्स द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें वादी के तरफ से जो तहरीर प्राप्त हुई थी उसमें एक अभियुक्त गोलू उर्फ शशिकांत दास को नामजद किया गया था और घटना के पीछे संपत्ति के विवाद की जानकारी दी गई थी। इसमें तत्काल टीम गठित करके घटना के अनावरण का प्रयास किया गया और इसमें पुलिस को सफलता मिली। इसमें जो नामजद अभियुक्त गोलू दास था उसके साथ ही साथ एक अन्य अभियुक्त अंश मिश्रा को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ इसमें 5 अन्य अभियुक्त के नाम भी प्रयास में आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी का हम प्रयास कर रहे हैं। और इस घटना के पीछे जो कारण था वो संपत्ति और पैसे का विवाद था। ये दोनों आरोप जो मुख्य आरोपी और जो मृतक साधु हैं वो दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। उन गुरु जी के जो संपत्ति थी और साथ ही साथ जो नकद था उसको हड़पने के उद्देश्य से जो गोलू और शशिकांत दास ने ये षड्यंत्र रचा था, षड्यंत्र काफी दिन पहले से इन्होंने रचा था और इसमें कुल 7 लोग इसमें आए हैं, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 5 लोगों की गिरफ्तारी शेष है। घटना वाले दिन गोलू दास अपने 3 साथियों के साथ वहां गौशाला परिसर में गया और कन्हैया दास जी की उसने हत्या की। इसके 3 अन्य साथी बाहर इनोवा कार में इसको बैकअप दे रहे थे, आवश्यकता पड़ने पर वो भी जाते और उसके बाद घटना कारित करने के बाद ये सभी वहां से फरार हो गए थे। जो इनोवा गाड़ी इसमें प्रयुक्त हुई थी वो बरामद कर ली गई है। हत्या में प्रयुक्त ईंट बरामद कर ली गई है। शेष जो अभियुक्त बच रहे हैं उनकी हम जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएंगे। दोनों अलग अलग जगह से रहने वाले। जनपद में पंचायत चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं, जहां निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी अयोध्या ने पंचायत चुनाव व COVID-19 को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी है। अयोध्या जनपद में प्रथम चरण में 15 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके लिए आज प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। अयोध्या जनपद में अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाई जा रही है। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा एवं SSP शैलेश पांडे लगातार मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे हैं, जहां पर 15 अप्रैल को मतदान होना है। इसके साथ ही 2 मई को मतगणना के दिन भी मतगणना स्थल पर मजिस्ट्रेट व पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही है। पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज कुमार झा ने रिटर्निंग ऑफिसर के साथ बैठक की। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने कहा कि नामांकन पत्रों की जाँच के बाद 7 अप्रैल को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। इसके साथ ही संवेदनशील बूथों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। अयोध्या जनपद में 891 मतदान केंद्रों व 2627 मतदेय स्थलों पर मतदान संपन्न कराए जाएंगे। जनपद में 794 प्रधान, 40 जिला पंचायत सदस्य,
1004 बीडीसी पद के लिए चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। अयोध्या जनपद में प्रथम चरण में 15 अप्रैल को मतदान होगा और 2 मई को मतगणना संपन्न कराई जाएगी। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने कहा कि कोविड-19 को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें चुनावी जनसभा और जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रत्याशी चाहे तो घर घर जाकर 5 के ग्रुप में प्रचार कर सकते हैं। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की सभी व्यवस्थाएं समय से चल रही हैं। कल जो है, कल तक स्क्रूटनी का टाइम था तो स्क्रूटनी कर ली गई है और आज नाम वापसी का और प्रतीक आवंटन का दिन है। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे जो जिला स्तर पर जिला पंचायत के सदस्यों का और बाकी सभी पदों के लिए सभी विकास खंड के मुख्यालय पर कार्रवाई ससमय चल रही है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। इसके अलावा अभी हमने जो हमारे वाहन मालिक हैं, विशेष करके जितने भी हमारे विद्यालयों के वाहन हैं, तो विद्यालयों के मैनेजर से हमारी अभी बात हुई और सबने इस बात के लिए अश्योर किया है कि हम लोग पंचायत चुनाव में ससमय अपनी वाहन फिट करा करके अवेलेबल कराएंगे। तो चूंकि 2700 से ज़्यादा बूथों का चुनाव एक ही फेज में है, तो एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जो हम लोगों को करनी है, बट हम लोग ससमय इसकी पूरी तैयारी करा रहे हैं और सब आज से ट्रेनिंग भी प्रारंभ हो रहा है साकेत कॉलेज में जो हमारे मतदान कार्मिक हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट काम है, हो रहा है। लगातार हमारा भ्रमण चल रहा है, हमने और SSP साहब ने जैसे रुदौली के और मिल्कीपुर के जो सबसे अति संवेदनशील केंद्र है उनका हमने भ्रमण कर लिया है और वहाँ के जो SDMs हैं, वहाँ के CO हैं, SHOs हैं, उनके द्वारा प्रत्येक गांव में लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार से आगे भी हमारा लगातार भ्रमण भी चलेगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आने वाला जो चुनाव है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। राम की नगरी में प्रदेश सरकार के सुंदरीकरण योजना के तहत मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण में सैकड़ों व्यापारियों का दुकान प्रभावित हो रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों ने आज रोजी रोटी बचाओ के लिए बजरंग बली की आराधना किया और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। अयोध्या में मंदिर निर्माण के साथ सौंदर्यीकरण की योजना प्रदेश व केंद्र सरकार ने तैयार किया है, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ होने के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आवागमन बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने अयोध्या के प्रमुख मार्गों सहित प्रमुख मठ मंदिरों से जुड़ने वाले सभी मार्गों के चौड़ीकरण योजना तैयार की है। इस योजना से अयोध्या के सैकड़ों व्यापारी भी प्रभावित हो रहे हैं, जिसके कारण व्यापारी इस योजना के विरोध कर रहे हैं और स्थानीय जिला प्रशासन के साथ मुख्यमंत्री तक अपनी बातों को रखने के लिए ज्ञापन भी दे चुके हैं। तो वहीं अब अयोध्या के व्यापारी अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए भगवान की शरण में पहुंच चुके हैं और हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। दरअसल अयोध्या के व्यापारी सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया, दर्जनों व्यापारियों ने हनुमान चालीसा पाठ 7 बार किया और भगवान से कामना की इस योजना से कोई भी व्यापारी प्रभावित ना हो। इस दौरान दर्जनों की संख्या में व्यापारी लोग मौजूद रहे। अयोध्या धाम में नया खास से शहादत जन तक और हनुमान वही से जन्मभूमि तक प्रस्तावित फोर लेन और सौरीकरण के विरोध में अयोध्या उद्योग व्यापार मंडल ट्रस्ट द्वारा हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया है। हम लोग हनुमान चालीसा 7 पाठ कर रहे हैं और हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोगों की रोजी रोटी बचाई जाए इस आताकारी सरकार से। जिला पंचायत चुनाव में 2 दिन नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज 7 अप्रैल को प्रत्याशियों को कलेक्ट्रेट में चुनाव चिन्ह वितरित किया गया। चुनाव चिन्ह वितरण का कार्य प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया। चुनाव चिन्ह पाने के बाद प्रत्याशियों में एक अलग तरह का उत्साह दिखा। बातचीत के दौरान प्रत्याशी अभिषेक तिवारी, जिनको चुनाव चिन्ह आरी मिला था, उन्होंने बताया कि चुनाव चिन्ह प्राप्त करने के बाद अब अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करके लोगों तक अपना संदेश पहुंचाएंगे। इसी क्रम में प्रभा रावत, सोहावल प्रत्याशी, जिनको कलम दवात चुनाव चिन्ह मिला था, उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि उनको भारी मतों से विजय बनाया जाए। शंकरा देवी पत्नी राकेश चौरसिया हरंटीनगंज की प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह कैंची प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि जिस तरह लोगों के लिए कैंची उपयोगी होती है, उसी तरह चुनाव जीतकर हम भी जनता के लिए उपयोगी होकर उनकी सेवा करेंगे। इसी क्रम में रामदेव यादव, जो कि भाजपा समर्पित रुदौली से प्रत्याशी हैं, उनको केतली चुनाव चिन्ह प्राप्त हुआ।
उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि हमारे क्षेत्र की जनता भारी मतों से हमें विजय बनाएगी और उनकी सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। चुनाव वितरण प्रक्रिया देर शाम तक चलती रही। से क्या अपील क्षेत्रवासियों से करेंगे आप? अब क्षेत्रवासियों से हम लोग यही चाहेंगे कि केतली के चुनाव निशान पर हम लोगों को वोट दे के भारी मतों से विजयी बनावाएं, जो हम लोग उनके बीच में उनकी सेवा कर सके और बेहतर सेवा कर सके। सेवा तो हमेशा करते रहा। क्या नाम है आपका? रामदेव यादव। जिला पंचायत प्रत्याशी हैं श्रीमती शंकरा देवी, पत्नी राकेश चौरसिया। और मैं अपने क्षेत्र में अपने मतदाताओं के बीच में अपना चुनाव निशान कैंची लेकर जाऊंगा और सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि जिस प्रकार से कैंची का प्रयोग हर घर में होता है, उसी प्रकार से अपने प्रत्याशी का प्रयोग हर घर में करें और हम उनके हर घरों में उनके हर हमेशा काम आने के लिए हमेशा खड़े रहें। पंचायत प्रत्याशी शेख तिवारी, सिंबल हमारा हारी है। जनता को लेके जनता से अपील यही करना चाहते हैं कि सबका सुख और दुख दुख बांट लेंगे। हमारी समाज में जो भी जनता है उसका हर दुख दर्द में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, हमारा सहयोग दें। साथ में कौन आया था आपके? कौन कौन? हमारे साथ हमारे बड़े भाई राजेंद्र राजभर जी और सुरेश विश्वकर्मा जी। क्या नाम होगा? अभिषेक तिवारी। सर जी, हम सोहाग क्षेत्रीय से तृतीय से। सिंबल क्या मिला आपको? कलम देवा चिन्ह। तो जनता हमारा सहयोग करे, अपना बहुमूल्य वोट देकर हमें विजय बनाए, हम सबका सहयोग करे। क्या नाम आपका? जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता से कहना ये चाहते हैं कि हमको अपना बहुमूल्य वोट दें, जिताएं और उनके हम सुख दुख में हमेशा खड़े हैं। झोपड़ी निशान है हमारा और बीकापुर प्रथम से आए हैं। ग्रवहारी गांव से। अयोध्या जनपद के बीकापुर विकास खंड तारुण के मतगणना स्थल बने राजा अखंड प्रताप महाविद्यालय खपराडी पर हो रहे कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे जिला अधिकारी एवं एसएसपी अयोध्या ने मातहत अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। उनके साथ उप जिलाधिकारी बीकापुर और क्षेत्र अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों ने मौजूद कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश के साथ सुरक्षा और आवागमन के रास्तों का भी निरीक्षण किया। बुधवार की देर शाम लगभग मतगणना स्थल बने राजा अखंड प्रताप महाविद्यालय खपराडी का औचक निरीक्षण जिलाधिकारी अयोध्या अरुष कुमार झा एवं वरिष्ठ निरीक्षक शैलेश कुमार पांडे द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ उप जिलाधिकारी बीकापुर केडी शर्मा, क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र तिवारी भी मौजूद रहे। मतगणना स्थल पर पहले से मौजूद खंड विकास अधिकारी तारुण सर्वेश मोहन श्रीवास्तव, प्रशासक एडीओ कोऑपरेटिव अमित कुमार सिंह, ग्राम विकास अधिकारी राजेश चौधरी ने स्ट्रांग रूम, बैरिकेडिंग, मतगणना स्थल, गाड़ी पार्किंग सहित व्यवस्थाओं के बारे में अधिकारियों को मतगणना सकुशल संपन्न कराने के लिए हो रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण कराया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कुछ कार्यों में और अच्छा करने का निर्देश जारी किया। मतगणना स्थल पर कराए जा रहे कार्यों से जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे संतुष्ट दिखाई दिए। इस दौरान लेखपाल सुशील कुमार शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी नसीम खान, एडीओ न्याय पंचायत अंशु सिंह, ग्राम विकास अधिकारी लवकुश गुप्ता सहित ब्लॉक और तहसील के तमाम अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे। अधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मतदान जहां पे मतगणना होनी है, मतगणना स्थल खपराडी महाविद्यालय में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय जो हम लोगों की व्यवस्थाएं थी उसमें उससे वो काफी संतुष्ट दिखे और जिलाधिकारी महोदय ने जो निर्देश दिए हैं उसका अक्षरशः हम लोग पालन कर रहे हैं। कुल मिला के वहां पे 14 काउंटर बनाए गए हैं जिसमें एक एक काउंटर पे एक एक न्याय पंचायतों की मतगणना कराई जाएगी। इसमें जैसा कि सर ने निर्देश दिया है, हम लोगों ने दो तरफ से रास्ते का इंजाम किया है। एक रास्ते से हमारे पोलिंग पर्सनल जो है मतगणना कार्मिक वो लोग जाएंगे और दूसरे रास्ते से हमारे जो मतगणना के एजेंट हैं जो मतगणना देखने आएंगे वो लोग जाएंगे, जिससे आपस में किसी का भी ये ना हो कि उनको भीड़ भाड़ का सामना करना पड़े। इसलिए हम लोगों ने ये दो तरह की व्यवस्थाएं जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे की हैं। साथ ही साथ
इसमें हम लोगों ने इस तरह से इस बार बांटा है कि 6 न्याय पंचायतों की मतगणना विद्यालय के आगे के पोर्शन में होगी और बाकी 8 मतगणना पीछे के पोर्शन में होगी, 8 न्याय पंचायतों की। इससे भीड़ भी जो है वो दो भाग में डिवाइड हो जाएगी और बड़े ही नाम से चूंकि गर्मी का मौसम है, कोविड का भी थोड़ा सा प्रकोप फैला है, इसलिए हम लोगों ने कोशिश की है कि कोविड को देखते हुए कि लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहे और फैलाव रहे, जिससे ये ना हो कि भीड़ में लोग एक दूसरे के संपर्क में ज़्यादा आ पाए। ये हमारी व्यवस्था है और सर का जैसा निर्देश है हम लोग अच्छा सा पालन करेंगे और उम्मीद है कि हमारी मतगणना बहुत ही सकुशल पूर्वक निष्पक्ष रूप से संपन्न होगी। धन्यवाद।